नमस्कार, मैं श्री निकेश नालम हूँ। मैं सभी पीएमसी हिंदी श्रोताओं को स्वागत करता हूँ। अभी तक हम स्पिरिचुअल एजुकेशन सीरीज में आध्यात्मिक विद्या पाठशाला का सीरीज में हमने कुछ सिद्धांतों को हमने अभी तक देखा है। वो है आत्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म कर्मफल सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत और योग सिद्धांत। इन सब का हमने विस्तृत रूप में हमने समझा। उसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने बताया था। आज हम उसी चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हुए एक श्लोक के साथ उसका संपूर्ण विवरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज हम उस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, अनेकानेक सिद्धांत। उससे पहले हम एक श्लोक के साथ हम उस अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार समझने का कोशिश करेंगे। ये है उत्तर गीता में एक श्लोक है, श्री कृष्ण ने इसे बताया था। वो श्लोक ये है, पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपः, जप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। इसका मतलब ये है, अगर हम पूजा करते हैं वो 1 करोड़ का स्तोत्र से समान है। क्यों कहा गया? क्योंकि जब पूजा करते हैं हम पूजा फिजिकल बॉडी के साथ एक फिजिकल वस्तु के रूप जो भी हमारे सामने है उसके साथ हम अपना जो भी पद्धति है उस पद्धति के अनुसार हम करते हैं। हमने इस श्रृंखला में हमने पूरा इस सिद्धांतों का श्रृंखला में हमने देखा है, हमारे पास अवेयरनेस कहाँ से होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा अवेयरनेस बाय डिफॉल्ट होता है बॉडी लेवल पे, मानसिक लेवल पे और चर्चा विचर्चा उसके ऊपर हमारा फोकस या अवेयरनेस होता है। तो नेचुरली जब हम हमारा बेसिक अवेयरनेस कॉन्शियसनेस जो होता है बॉडी लेवल पे, तो हमारा स्टार्टिंग जो पद्धति होता है प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का, उस पद्धति में हम फिजिकल लेवल में ही स्टार्ट करते हैं, शारीरिक लेवल से ही हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप फिजिकल लेवल पे आपका अवेयरनेस है, आप फिजिकल लेवल पे ही उसका साधना से आप आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम पूजा में क्या करते हैं, हमारा माइंड तो नहीं है उधर, हम बॉडी के थ्रू हम एक मूर्ति का पूजा करते हैं जिसके बारे में कोई गलत नहीं बोला था। ये बोल रहे कि हम अभी वो फिजिकल लेवल पे उसके साथ हमारा अवेयरनेस है तो इसके लिए हम फिजिकल लेवल पे ही उसका साधना करते हैं। ये हो गया पहला वाला। उसके बाद होगा स्तोत्र कोटि समोल जपः। अब स्तोत्र तो हमने देखा था, पूजा हमने कर दिया, 1 करोड़ पूजा करेंगे तो वो एक स्तोत्र हो गया फिजिकल लेवल पे। अब आ गया आपने स्तोत्र कोटि समो जपः, मींस ऐसा स्तोत्र। स्तोत्र का मतलब क्या है इधर? अब हम इधर क्या करते हैं, किसी एक महात्मा ने जो लिखा है अनुभूति करके, उस परमात्मा का तत्व को अनुभूति करके जो लिखा है उसका पारायण करते हैं, उसका हम स्तोत्र करते हैं। यहां भी आपका मन बहुत कम लेवल पे आता है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो एक महात्मा ने अपने अनुभवों के सार को उधर एक स्तोत्र में लिखा है। उस स्तोत्र को आप कहीं ना कहीं आपका मन उसको कैच कर रहा है, उसे लिंक कर रहा है एंड वो आप फिजिकल लेवल पे आपका आपका मुखतः उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको बोलते स्तोत्र। ऐसा स्तोत्र 1 करोड़ बार करेंगे तो वो एक जप के समान है, ये बोला गया। ये कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है उत्तर गीता में। उसके बाद आता है जप कोटि समम ध्यानम। जो स्तोत्र कोटि
समो जपः, ऐसा एक जप, वो जप कितने करने के बाद वो एक ध्यान में कन्वर्ट होता है? कोटि बार, मीन्स 1 करोड़ बार वो करने से आपको एक ध्यान का फल मिलेगा। अब हम समझेंगे जप क्या होता है। जप में क्या करते हैं हम, रिपीटेशन ऑफ दैट स्तोत्र जो आपने समझा है कि वो परमात्मा का तत्व है, आपने अभी अनुभूति नहीं किया है बट आपका मन कहीं ना कहीं उसे बिलीव कर रहा है, आप ये मानते हो कि वो परमात्मा शक्ति का एक रूप है, उसका गुण है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे विष्णु सहस्रनाम हो गया, ललिता सहस्रनाम हो गया, ये सारे आपके सामने बहुत सारे वो महा परमात्मा का रूप का वर्णन किसने किया, जो जो महात्मा ने उसे दर्शन किया था, वो दर्शन करने के बाद उसे फिर हम उनके भावों के अनुसार, उनका नॉलेज के अनुसार वो एक स्तोत्र रूप में कर दिया, उसको आप फिर बार बार रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना होता है जप, वो रिपीटेशन में वो कुछ भी हो सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी हो सकता है, जप जी साहिब हो सकता है, आपको बहुत सारे मत ग्रंथ है जिसमें उस महा परमात्म तत्व को उनका अनुभूति के अनुसार उन्होंने उसे एक्सप्रेस किया उनका शब्दों में, उस शब्दों को आप रिपीट करते हो, उस स्तोत्रों को रिपीट करते हो कोटि बार, 1 करोड़ बार रिपीट करते हो, तो तब आपको ध्यान का एक झलक दिखेगा। अब ध्यान क्या है, ध्यान वो होता है जिसमें आप फिजिकल लेवल पे ड्रॉप करते हो, मनो लेवल पे ड्रॉप करते हो, तर्क वितर्क का वो जो आपके पास क्षमता है उसे भी ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करके आप उस स्थिति में अपना ज्ञान शुरू करते हो। इन तीनों को छोड़ के जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो वो है ध्यान स्थिति। ध्यान का पहला पड़ाव है, मीन्स आपने ध्यान करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया मीन्स आपको समझ में आया कि ये स्तोत्र, ये पूजा, ये जप, इन तीनों का रिलेशन है बॉडी लेवल पे, मनो लेवल पे, तर्क वितर्क लेवल पे, क्योंकि अभी आपने अनुभव नहीं किया। जब आप इन तीनों को छोड़ के, आपका अवेयरनेस को इन तीनों को छोड़ के और जो रह जाता है, समझिए अगेन, बॉडी लेवल पे आपका अवेयरनेस छूट जाएगा, मनो लेवल पे आपका अवेयरनेस छूट जाएगा, तर्क वितर्क का जो क्षमता है उसके ऊपर से भी आपका अवेयरनेस छूट जाएगा। उसके बाद जो रह जाता है, अगर आपका अवेयरनेस उसके ऊपर जाता है, वो है आपका पहला पड़ाव इन ध्यान। अब आप ये ध्यान का आपने अगर 1 करोड़ बार करोगे, सुनिए, ऐसा ध्यान 1 करोड़ बार कोटि बार करोगे तब आपको समोलय, तब आप उस तत्व में लय हो सकते हो। अब ध्यान शुरू कर दिया आपने, अब ध्यान करने के बाद वो समोलय मीन्स उस परमात्म स्थिति में लय होने के लिए 1 करोड़ ध्यान चाहिए। उस श्लोक का अर्थ, इसका मतलब कितना कठिन साधना करना है हमें। अब योग सिद्धांत में हमने क्या किया, हम ये समझ गए हम एक आत्म पदार्थ है, हम उस यात्रा में निकल चुके हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस और तर्क वितर्क का कॉन्शियसनेस से, उसका अवेयरनेस से दूर होके जो रह जाता है उसके ऊपर हमारा ध्यान शुरू हो गया है। उस ध्यान को हमने योग सिद्धांत में स्टार्ट किया था। वैसा करने के बाद हमने क्या किया, उस परमात्म तत्व में लीन होना चाहिए, उसे अनुभव करना चाहिए। पहला अनुभूति आपने कर लिया, एक आत्म पदार्थ है उसका, उसके बाद आपने ये समझ लिया कि वो आत्मा वो परमात्मा का ही एक रूप है, उसका ही एक अंश है, उसका ही एक यू नो झलक है,
उसके बाद आप ये समझ जाओगे कि उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, वो परमात्मा और इस आत्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। जैसा समुद्र में जितने भी लक्षण होते हैं, वो सारे लक्षण समुद्र से अगर एक बिंदु, एक ड्रॉप भी अगर आप लेंगे, उस ड्रॉप में भी वो सारे लक्षण आप पा पाएंगे। ये स्थिति अगर आप को लेके आना है, उसको बोलते हैं योग सिद्धांत में आगे बढ़ने के बाद आप वो लय स्थिति में आ जाते हैं। जब आपके बीच में एज एन इंडिविजुअल जीवात्मा, फिर उसके बाद आत्म पदार्थ का अनुभूति, उस आत्म पदार्थ के बाद फिर आप परमात्म तत्व का अनुभूति, ये सारे होने के बाद आपको ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म का स्थिति में आप पहुंचोगे। प्रज्ञानम ब्रह्म स्थिति, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म ज्ञान स्थिति में अगर पहुंचने के बाद, तब आपको समझ में आएगा ये पूरा क्या है, क्यों चल रहा है, ये सारा जितना भी हमने पढ़ाई किया था अभी तक, वो सारा क्यों हो रहा है। उसी सिद्धांत को हम बोलते हैं अनेकानेक सिद्धांत, मीन्स बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, परमुटेशंस एंड पॉसिबिलिटीज का एक सिद्धांत, अनेकानेक सिद्धांत, अनंत सिद्धांत, इनफाइनाइट सिद्धांत। ये अब हम समझेंगे ये क्या है। हमने ये बताया, हमने ये समझ लिया, हम जानते भी हैं, अगर अनुभव भी नहीं किया तो हम बिलीव भी करते हैं, हम एक आत्म पदार्थ है और हम उस परमात्म तत्व का ही अंश है। इतना यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अगर परमात्म तत्व है तो उस परमात्म तत्व का लक्षण क्या है? वो सर्वव्यापी है, सर्व सृष्टि करता है, सर्व सृष्टि को लय भी करता है, सारे लक्षण, सारे गुण, सारा कड़ा, जितने भी कड़ा है वो सारे उसी में है, जितने भी उनका क्रिएटिव एनर्जी है, सृष्टि का एनर्जी है, वो सारा उसी में है। अगर इसमें इतना सारा है तो वो एक तत्व जो परमात्म तत्व अपने आप को उस पर्टिकुलर कैपेसिटी को, अपना वो जो शक्ति को अपने आप अनुभूति करना, मीन्स उसे आनंद लेना चाहता है, लीला, उसका एक लीला करना चाहता है। लीला किसके साथ? उनके पास जो शक्ति अभी हमने जो कहा है, उन सारे शक्तियों का एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में उसे प्रकटित करके अपने आप में वो आनंदमय रहेगा, अपने आप में वो उस परम शक्ति का अनुभव करते हुए, वो तो है वो ही है, बट उसमें फिर और आनंद करते हुए अनेकानेक रूप में, उसे विस्तृत रूप में और विस्तृत करते हुए सृष्टिकर्ता के अनुसार, अपने अंदर जो सृष्टि का, सृष्टिकर्ता का जो लक्षण है, उसे बार बार आजमाते हुए, बार बार उसे सृष्टि करते हुए, उसका फल उनको देखते हुए, और वो जो क्रिएशन में मनुष्य जाति को जब जन्म देते हैं या क्रिएट करते हैं, उसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है कि जब वो इस धरती में आते हैं तो वो अपना आत्म ज्ञान को खो के फिजिकल एंड मेंटल एंड तर्क वितर्क का अवेयरनेस में जुड़कर इस धरती के ऊपर पैदा लेते हैं। उसके बाद उस कंडीशन में वो परमात्म तत्व ये देखना चाहता है, ये उस कंडीशंस में कैसा इन थ्री अवेयरनेसेस के बाहर जाकर परमात्म तत्व को कैसा पा सकता है। वो एक गेम क्रिएट करके मनुष्य जाति को वो एक शक्ति देते हैं, वो फ्री विल के साथ। फ्री विल का मतलब वो परमात्म तत्व का एक लक्षण है, वो लक्षण क्या है? फ्री विल, जो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करने का जो फ्री विल है, वो देने के बाद वो उसके अंदर निबड़ी ग्रुथ है, अंदर छुपा हुआ है, उसे पाना है, फिर
उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए उस सृष्टिकर्ता का जो इच्छा, उनका इच्छा कला, वो सारा कलाओं का कैसा वो एंजॉय करना चाहते हैं, इनके माध्यम के थ्रू वो लीला कैसा क्रिएट करना चाहते हैं, ये सारा आपको एक दिखेगा। वो किधर दिखेगा? क्योंकि उन्होंने रचना किया है, गुणों को रचना किया है, मानव को रचना किया है, एक भूमंडल को भी रचना किया है। इस भूमंडल क्या है, अर्थ इज नथिंग बट ए बिग लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इस इंडिविजुअल को, जीवात्मा को भेज दिया, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट या तर्क वितर्क का वो ज्ञान के साथ, और भी है बट फंडामेंटली इन चीजों के साथ वो जुड़कर अपना यात्रा शुरू करता है। उस यात्रा में वो कैसा आगे बढ़ता है उसको देखना है, इस लैबोरेटरी में वो कैसा परफॉर्म करता है, और अनंत सृष्टियों का सारा विश्वरूप कैसा होता है वो देखता है, फिर एंजॉय करता है, फिर वो परमात्मा के अंदर लीन होता है। इस प्रोसेस में जो एडवांस्ड सोल्स है वो हमेशा क्या करते हैं, इस जीवात्मा को किस प्रकार इन तीनों अवेयरनेस से दूर करके अपने आत्मा का अवेयरनेस पे कैसे लेके आ सकते, विद इन द गिवन दोस गुणों के साथ, वो जो प्लेग्राउंड में उस कंडीशंस में उनको और क्या देने से वो बहुत जल्दी इन थ्री सिचुएशंस, मींस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट या तर्क वितर्क का जो कैपेसिटी है, उन तीनों से कैसा बाहर जल्दी आ सकता है, वो गेम में वो एडवांस्ड सोल्स हमेशा वर्क करते रहते हैं। वो ही है उनका काम इस सृष्टि में, अनेक अनेक सिद्धांत में वो अपना रोल अदा करते रहते हैं। जीवात्मा अपना रोल अदा करता रहता है, सर्वव्यापी सर्वशक्ति वो परमात्मा तत्व अपना कलाओं का, अपना लीलाओं का एंजॉय करता रहता है, और व्यापक रूप में उसको बढ़ाता रहता है। यही है अनेक अनेक सिद्धांत। ये आपको तभी समझ में आता है जब आप योग सिद्धांत में ध्यान करते 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 आपका सहस्रार को टच करने के बाद उस अद्भुत लीला को, उस अद्भुत सृष्टिकर्ता का कैपेसिटी को समझने के लिए 1000 तरीकों से अगर आप उसको समझोगे, तब आप लायक के पास, लायक स्वरूप का एक अनुभव आप कर पाते हो। इसी का हम बोलते हैं अनेकानेक सिद्धांत। इसमें आपने देख लिया एक इंडिविजुअल जीवात्मा और प्रकृति भी है, और लैबोरेटरी भी है, एडवांस सोल्स भी है, नॉन मानव जीवी भी है, जिनका बॉटम लाइन और अपर लाइन और दोनों फिक्स होते हैं। लाइक वो जो जन्म लेते हैं पशु पक्षी, उनका डिफाइंड रोल्स होते हैं, उनके लिए एक्सपेंशन का रोल नहीं होता, उनके पास फ्री विल नहीं होता, वो ग्रुप सोल्स होते हैं। उनका भी एज ए ग्रुप सोल्स वो हमारे इस लैबोरेटरी में पार्ट लेते हैं, अपना आधा पूरा करते हैं। उस नॉन फ्रीडम जिनके पास, हम बोलते हैं कि वो जो यू नो पक्षी या वृक्षों का या क्रिस्टल्स का, ये सारा भी एक अलग सा दुनिया है। उस दुनिया में भी ये सारा हम इंटरेक्ट करते करते हम अपना एक आगे बढ़ाते हैं। ये अनंत सृष्टि वैसा चलता रहता है। उस अनंत सृष्टि में आपका एक रोल होता है, वो रोल आप समझ जाओगे, फिर आपको ये समझ में आता है कि वो सारा आप ही हो। जैसा समुद्र का एक बूंद में सब कुछ है, वैसा ही आप एक विश्वरूप को देखोगे। उस विश्वरूप को जब आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा ये अनेकानेक सिद्धांत क्या है। इसी को हम बोलते हैं, इसे ही पाने के लिए एक आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। इसलिए जस्ट योग सिद्धांत में आने के बाद हम सब कुछ समझ लिया, आत्मा पदार्थ के बारे में, परमात्मा तत्व के बारे में समझ लिया, वो नहीं है। उसके बाद जो होता है वही एक्चुअल
परमात्मा का असल रूप में उनका पर्पस क्या है, वो क्यों करते हैं, बस आनंद, अपना अपना शक्तियों का, अपना जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जो सृष्टिकर्ता का कैपेसिटी है, उसे बार बार आनंद लेने के लिए हमको ये दिखता है। सो वैसा ही हम अगर हम ये समझ नहीं पाते हैं, तो मैं एक फेमस आध्यात्मिक वेत्ता है रिचर्ड बाक, वो बोलते हैं, द मार्क ऑफ यूअर इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ यूअर बिलीफ इन इनजस्टिस एंड ट्रेजेडी। इसका मतलब ये है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, पूरा दुनिया में अन्याय चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, आप बहुत दुख में हैं, ये सारा अगर हम फील करते हैं, अगर वो अभी वो भावनाओं के साथ अगर हम है, उसका मतलब ये है हम उतना ही अज्ञान में हैं। जब आप अपना आत्मा का ज्ञान शुरू करोगे, जिस समय आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा सृष्टि आपके लिए एक प्लेग्राउंड है, आप अपना रोल अदा कर रहे हो, ये स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा, फिर बाद में पूरा सृष्टि आपका ही प्लेग्राउंड है, आप ही उसको चला रहे हो। क्यों चला रहे हो? आनंद के लिए, बस अपने आप को उसमें आनंद रूप में रहने के लिए, वही है अनेकानेक सिद्धांत। इससे हम वो सिद्धांतों का, हमने 6 सिद्धांतों को हमने विस्तृत रूप में समझा है। अब अगला एपिसोड में मैं कुछ मेरा जो टेक अवेज है इस 6 सिद्धांतों से मैंने क्या समझा है, उसका पॉइंटेड लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।